सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि है मेरी न्यू दिल्ली में। एंड ये एक एफिलिएट इंस्टीट्यूट है बाय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एंड उसी के अंडर में ये आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर इसमें हम देखें हाईलाइट्स के बारे में, तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है मेनली, एंड प्राइवेट स्कूल हम कह सकते थे। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड ये एक एफिलिएट इंस्टीट्यूट है। 2009 में एस्टैब्लिश हुआ ये, एंड हर साल यहाँ पे 500 से 600 बच्चे एडमिशन लेते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेते। मेनली जब कोर्स यहाँ पे कराया जाता है वो है BR का, एंड इसकी फीस होती है 3 to 3.5 lakhs फॉर द फुल कोर्स। नेक्स्ट थी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक अच्छे से जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड क्योंकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट ये एक काम करती हूँ थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जो जानना भी चाहते हैं इसके बारे में। सो एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं हम पहले। सो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो कि एक 5-year डिग्री प्रोग्राम होता है BA आर्क, एंड जो कैंडिडेट्स हैं उनको नाटा एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ता है। उसके बाद उनको जो है मतलब उनको अपेयर करना पड़ता है GG, SI, PU, CET, एंड देन आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अपेयर करना पड़ता है। बी आर्क जो है वो एडमिशन लेते हैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की, जो कि ऑब्टेन करते हैं 10+2 और 10+3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा, मतलब अगर किसी ने डिप्लोमा भी कर रखा हो। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो एडमिशन शुरू होता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड अगर हम बात करें, मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया है, या इसके अलावा और कोई ज़्यादा एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया है। एंड नेक्स्ट थिंग यार, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो स्टूडेंट के रिव्यू के बारे में। यहाँ पर एक बच्चे ने बताया है, ग्रेट एक्सपीरियंस, वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन अ आर्किटेक्चर कॉलेज, अ लाइफ साइज एक्सपीरियंस, इट्स रियली गुड, वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, ओवरऑल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद ग्रेट फैसिलिटीज। एक बच्चे ने बताया गुड एंड एंजॉयबल डेज, एंड एक बच्चे ने बताया अ डे MBS, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, कॉलेज इज क्वाइट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, कॉलेज इज ऑल्सो वेल मेंटेन्ड, एंड जो कॉलेज है वो ह्यूज लाइब्रेरी है एंड स्पोर्ट्स सेंटर है। कॉलेज की जो कैंटीन है वो हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करती है मेरी स्टूडेंट्स को। बात करें इसकी मेन ऑफ द फैसिलिटीज के बारे में, सो यहाँ पे आपके पास जिम फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, कन्वीनियंस स्टोर है, एंड एलुमनाई एसोसिएशन वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। देन अगर हम बात करें इसके एक वर्चुअल टूर के बारे में, सो ये है आपका कॉलेज का ऑडिटोरियम, देन ये है कैफेटेरिया, कैंपस व्यू, क्लासरूम्स, इवेंट्स, IT लैब जिसे हम कंप्यूटर लैब भी कह सकते हैं, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, एंड ये है आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी। ओवरऑल एक अच्छा रिव्यू मिला है इस इंस्टीट्यूट को, एंड स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट की, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। एंड इसी के अलावा और कोई भी क्वेरी हो या आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।